हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार से। दोस्तों आज एक अपना टॉपिक है नंबर सीरीज का टॉपिक है और ऐसे सीरीज नहीं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक के बाद तीन है, फिर दो है, फिर छः है, फिर तीन है। देखो पहले संख्या बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फिर कम हो रही है। यानी कि एक बढ़ रही नहीं घट रही, जहाँ पे दोस्तों संख्या एक बढ़ रही नहीं घट रही हो तो वहाँ उनको एक क्रम से नहीं देखना चाहिए, वहाँ एक के बाद एक को देखना चाहिए। और एक बढ़ रही नहीं घट रही, एक बढ़ रही नहीं घट रही, तो वहाँ एक क्रम से उनको नहीं देखना चाहिए, उनको एक के बाद एक देखना चाहिए। जैसे कि एक से अपन दो को देखते हैं तो प्लस वन कर दिया दो बन गए, दो से अगर तीन को देखते हैं तो प्लस वन कर दिया, तीन से अगर चार को देखेंगे तो प्लस वन कर दिया, चार के बाद अगर पाँच को देखेंगे तो भी प्लस वन, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से अपने को अगला ये वाला बनाना है तो पहले अपन प्लस वन करेंगे और यहाँ छः बनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बनाना, अपन को यहाँ बनाना तो ऊपर वाले से बनेगा, बनेगा ऊपर वाली लाइन से। तो ऊपर वाले का देखते हैं क्या हिसाब आ रहा है। देखो तीन से छः बन रहा, तीन से क्या बन रहा, छः बन रहा, तीन से छः बन रहा, तो छः कैसे बना होगा दोस्तों, प्लस तीन करा, क्या करा इसने प्लस तीन करा। अब तीन से यहाँ ग्यारह बना, तो ग्यारह बनाने में क्या कर क्या करना पड़ेगा, छः से ग्यारह बना पाँच प्लस पाँच करा, यानी तीन और यहाँ दो ज़्यादा जोड़ दिया, फिर दो के बाद ग्यारह से अट्ठारह यहाँ पे सात जोड़े हैं, क्यों दो ज़्यादा जोड़ दिया, पाँच के बाद दो ज़्यादा जोड़ दिया तो ग्यारह सात अट्ठारह हो गया। तो यहाँ दो जोड़ा सात जोड़ा, अपन यहाँ अट्ठारह के बाद क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो और ज़्यादा सात दो नौ जोड़ेंगे, तो अट्ठारह नौ कितना हो दोस्तों, यहाँ सत्ताईस हो जाएगा। अपना आंसर में क्या आएगा दोस्तों, सत्ताईस आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, सत्ताईस आना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, सत्ताईस। ये ऊपर के यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ कितना आंसर आएगा, सत्ताईस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आगे होगा। यानी कि एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा छोटा एक बड़ा छोटा ऐसे आ रहा है, तो एक के बाद एक देखें अपन कि एक का संबंध, फिर एक अंक छोड़ के देखें, एक के बाद दो से देखें तो एक बढ़ रहा, फिर तीन से देखें फिर एक बढ़ रहा है ना ऐसे, फिर इसका तीन के बाद फिर छः बनाया तो तीन जोड़ा, फिर अगला छः के बाद ग्यारह आया तो फिर पलक पाँच जोड़ा है ना, यानी दो दो बढ़ते जा रहा, तो सात, फिर सात के बाद दो बढ़ाएंगे तो नौ, तो अठारह में नौ जोड़े तो सत्ताईस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये चार प्लस चार बराबर चौंसठ। अब दोस्तों चौंसठ कैसे बना होगा, अगर यहाँ चार और चार को जोड़ता है तो आठ बन जाता है, आठ का अगर स्क्वायर करते हैं तो चौंसठ, बिल्कुल सही है। कि पाँच और पाँच को जोड़े तो दोस्तों दस बनता है, और दस का स्क्वायर करें तो सौ बन जाता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह छः और छः को जोड़े तो बारह बनेगा, और बारह का अगर स्क्वायर करें तो बारह बारह एक सौ चौवालीस। तो ये नौ और नौ को जोड़े तो कितना होगा दोस्तों, अट्ठारह होगा, इसका स्क्वायर करें तो तीन सौ चौबीस इसका राइट आंसर, इक्कीस की पावर, ये इसकी पावर में लगा हुआ है माइनस आठ की पावर माइनस दो। तो दोस्तों सबसे पहले इस पावर को हल कर लेते हैं, पहले इक्यासी को हल कर लेते हैं, इक्यासी तो ऐसे ऐसे रन दो, इक्यासी तो ऐसे ऐसे रन दिया माइनस, देखो इसको अगर हल करेंगे इस पावर को हल करेंगे तो पहले आठ क्या बनेगा दोस्तों, दो की पावर तीन बन जाएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आठ को हल कर दो की पावर तीन गुणा माइनस दो बटे तीन पावर में हल हो रहा, तो अगर तीन से तीन कट गया तो दो की पावर माइनस दो बचा,
माइनस तो 81 की पावर माइनस तो है सही, लेकिन 2 की पावर माइनस 2 बना ये रहा, और ये 81 की पावर माइनस, और अगर इसको अगर प्लस हल करें तो 1 के बटे में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, और ये 81 तो है सही, माइनस भी है इसका, और 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर 2 मतलब 4। अब 81 को अगर हल करें तो 3 की पावर 4 माइनस 1 बटा 4 की पावर दे इसे, अब दो 3 की पावर 4 इंटू माइनस 1 बटा 4, 4 से 4 कट गया, 3 की पावर माइनस 1, और माइनस 1 को प्लस करें तो 1 बटा 3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन मैच करें। आगे हो पहले पावर को हल कर लो, और हल करते करते यहाँ आओ, और फिर इसको इसके आंसर इसको हल करो है ना, फिर 2 की पावर 3 बना, 3 से 3 कट गया माइनस 2, 2 की माइनस 2, माइनस 2 को ऊपर नीचे करा तो 1 या 2 की बात हो नीचे 4, 1 बटे 4 हो गया। अब इसको तोड़ लिया 3 की पावर 4, 4 से 4 कट गया 3 की पावर माइनस 1, और 1 बटा इसको प्लस किया तो 1 बटा, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये दोस्तों ध्यान से देखिए इस चित्र में, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक अगर इस आकृति को अगर जोड़ते हैं अपन, ये वाली आकृति को अगर जोड़ते हैं ये 1 2 3 4 चार इंटू 2 बराबर 8 होता है, सेम टू सेम आकृति है बन रही है 1 2 3 4, 4 2 8 भी हो गया, इसी तरह 1 2 3 4 4 2 8 यहाँ हो गया 1 2 1 2, और यहाँ से ये 3 यहाँ हो गया 1 2 और 3 यहाँ हो गया। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे देखते हैं, तो अभी 8 ने 8 16 और 6 ये कितना हो गया 8 + 8 + 3 + 3 8 ने 8 3 + 3 तो 8 ने 8 16 ने 3 ने 3 6 यानी कि ये हो रहा 22, तो 22 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 20 तो नहीं होना चाहिए, इसे ऊपर ही जा रहा 24 आना चाहिए, ये 28 से 32 के आ गया, देखते हैं है ना, 20 तो आई आई 20 तो है ही नहीं सुना, आगे देखते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, देखो अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो रेखा है एक ये मुझे दी होगी, एक ये होगी 2 और एक ये वाली, एक तो ये एक दो रेखी एक त्रिभुज तो यह बना इस कोने पे, इसी तरह यहाँ से फिर इस कोने पे एक त्रिभुज यहाँ बन गया, फिर इसी तरह यहाँ पे आए देखो इस बिंदु से ये बना ये एक ये बन गया, इसी तरह एक यहाँ बन गया 1 2 3 4 और बन गए, तो 22 4 कितने हो गया 26 हो गए, तो 24 तो फिर भी नहीं हो रहा, अब 28 देखते हैं 26 भी नहीं इसमें, तो और आगे देखते हैं, फिर देखते और ऊपर से, तो ये तो अपने गिन लिया। अब दोस्तों इसमें देखो ये वाला अपने गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, लेकिन अब देखो अगला कोना देखते हैं, हर कोने पे ट्रायंगल बन रहा है, इस कोने पे बन रहा है, इस कोने पे बन रहा है, अब देखो यहाँ एक कोना मिल रहा है इनको, ट्रायंगल बना और ये इधर दो ट्रायंगल और बन गए, तो 26 2 28 ट्रायंगल, यानी कि सी ऑप्शन मैच कर 28 ट्रायंगल, सी ऑप्शन मैच कर।
आगे होगा। अगला भी ऐसे, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए दोस्तों और आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन आपके MPPSC, SSC, रेलवे बोर्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि P का अर्थ प्लस, P का मतलब क्या है प्लस, Q का मतलब माइनस, R का अर्थ गुणा और S का अर्थ भाग, तो मान के याद कीजिए। अब दोस्तों यहाँ 36 A से, तो A का मतलब क्या है भाग, तो देखो 36 भाग लगा दिया, फिर 9 लिख दिया, R का मतलब क्या है गुणा, गुणा लगा दिया, फिर 4 P का मतलब क्या है धन, धन लगा दिया, फिर क्या है 12 Q का मतलब क्या है ऋण, ऋण। अब देखते हैं, अब सबसे पहले दोस्तों भाग होगा, गुणा नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे के गुणा कर देते हैं या इनको जोड़ देते हैं, 12 में 4 जोड़ देते हैं, वो गलत है। पहले तो भाग होगा, तो 9 चौक 36 4 हुआ, फिर गुणित 4, अब फिर गुणा होगा, 4 चौक 16, 16 और 12 कितना होगा, तो 12 दूने 24, 6 दो 8 मतलब 28, 6 दो 8 28 माइनस 8, स्मार्ट के तो 20 इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, अब इसमें त्रिभुज काउंट करें। चार ऑप्शन ऑप्शन में देखिए, पहले तो अंदर वाला गिन लगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन कितना होगा 12 दिन हो गया, फिर 1 2 यानी कि 3, फिर 1 2 यानी कि 3 तो ही हो गया, और ये नहीं 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो देखो 3 अंदर वाले के लिए 3 3 6 3 3 जो 12 24, तो 24 तो आ रहा है, लेकिन और कुछ देख लेते इसमें और बन रहे कि बन रहे, तो ये वाला एक ही है, लेकिन एक अर्थ इस दो के साथ मिलकर एक ट्रेंगल और बन सकता है, ये वाला एक के साथ ट्रेंगल बन रहा है, एक इसी तरह एक ट्रेंगल इधर बन रहा है, दो ट्रेंगल यहाँ बन रहे हैं, इसी तरह एक ट्रेंगल यहाँ, एक और छह मिलकर एक ट्रेंगल बन रहा है, ये वाला और एक ट्रेंगल ऊपर बन रहा है, दो तो 24 में 4 28, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। एक इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अगला और देखिए दोस्तों, शिक्षिका माँ महिला के बीच सही संबंध है, शिक्षिका माँ महिला। अब दोस्तों शिक्षिका माँ और महिला, देखिए जो माँ है, जितनी भी माँ है, ये माँ है, तो सभी माताएं महिलाएं होगी, सभी माताएं महिला होगी, माताएं क्या होगी महिला, जितनी माँ है सब महिला होगी, ये तो यही थी। लेकिन शिक्षिकाएं सभी माताएं शिक्षिका नहीं हो सकती, सभी महिलाएं शिक्षिका नहीं होती, उसमें कुछ तो कुछ के लिए ऐसा ऑप्शन आएगा कि आधी माताएं महिला होगी शिक्षक होगी और आधी महिलाएं शिक्षक होगी, कुछ इसमें शिक्षक हो सकते हैं, तो कुछ इस तरह की आकृति बनी, ये नहीं आकृति डी में इसका राइट आंसर, माता माँ महिलाएँ, सभी माताएँ महिला हो सकती, महिलाएँ माँ बनेगी तो महिला होगी सी, है ना, और फिर शिक्षिका उसमें कुछ शिक्षिका है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। नहीं दोस्तों, बड़े चल रही करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।